आप बंदे बच गए ने। एक्सयूवी 300 की गाड़ी और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो है यहाँ पर चौराहे पर टक्कर हो जाती है आपस में, और टक्कर इतनी भयानक होती है कि गाड़ी का जो है बुरा हाल हो जाता है। स्विफ्ट डिजायर जो है बिल्कुल टूट जाती है, जिस प्रकार से ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर गाड़ी जो है किस प्रकार से पलटी है। इन मौके पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया है, फिर यहाँ पर टकराती है और कितना नुकसान इस गाड़ी का हुआ है। और 4 व्यक्ति जो है समेत बच्चे इसके अंदर थे, बच्चे को जो है ICU में एडमिट करवाया जाता है। और इस गाड़ी के अंदर भी 3 व्यक्ति थे, वो भी बाल बाल बच्चे हैं। यदि ये गाड़ी जो है इन तारों में ना फंसती तो ये भी कहीं ना कहीं इन पोलों में जा टकराती और भयानक परिणाम हो सकते थे। 112 की टीम जो है मौके पर है और अपनी कार्रवाई को अमल में लाए हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी से भी हम आपको मिलवाना चाहेंगे। ये गाड़ी का नंबर है HR26CD0677 और प्रत्यक्षदर्शी इसमें मौके की तस्वीरें जो है बता रहे हैं। ताऊ जी, फिर यहाँ गाड़ी पलट गई? हाँ जी, ऐसे टेढ़ी हो गई जी ये गाड़ी। ये स्विफ्ट डिजायर है। हाँ हाँ हाँ। और वो गाड़ी फिर वहाँ फंस गई थी जाके? जाके वहाँ फंस गई वहाँ। इस तो करके सीधी फिर बंदे कटे आए। ठीक ठीक, अब मौके पे ही थे? मौके पे ही, हमने 3-4 जने ने सीधी करके फिर कटे बारी। सभी की जान सुरक्षित है? हाँ जी। बच्चा बताया जा रहा है? हाँ जी हाँ जी, ले गए बच्चे को मोटरसाइकिल भेज दिया। अच्छा, ठीक है। और ये जो इसके इस गाड़ी के अंदर 3 व्यक्ति थे वो कहाँ है? वो चले गए जी, उसको चोट चूट को नहीं लगी इतनी। अच्छा, लड़की बोलते हैं घबरा गई है। अच्छा, लड़की थी उसके अंदर भी? अच्छा, उसमें भी लड़की थी? हाँ जी, वो घबरा गई वैसे। अच्छा जी, तो उसने भी हॉस्पिटल में लेके गए? हाँ, कह रहे हैं अभी लेके याद है, कह रहे हैं लेके गए। वो भी नई गाड़ी है, उसके तो रिबन अभी तक नहीं खुले। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं वो शादी की मिली है। शादी की आप ही बता रहे हैं जी? अच्छा अच्छा, शादी मिली हुई है। चलो, शगुन के तेर पे वो गाड़ी मिली होगी। कह रहे थे आप ही हमारे को क्या बताइए। ठीक ठीक ठीक। और ये गाड़ी जो है स्विफ्ट डिजायर यहाँ पर टकराती है, कितना कांच जो है इसका बिखरा पड़ा है, टूट जाती है। और क्या हालत है इस गाड़ी की, HR26CD0677। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इतना भयानक हादसा था कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति यहाँ बचा भी होगा। परंतु गनीमत ये रही कि सभी सुरक्षित हैं। और ये टेम्परेरी नंबर गाड़ी है, ये देखिए XUV300 गाड़ी, रहड़ा की गाड़ी बताई जा रही है, और रिबन अभी तक खुले नहीं है। कहीं ना कहीं शगुन के तौर पर जो गाड़ी विवाह में दी जाती है उस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये शगुन के तौर पर ये गाड़ी है। और इस गाड़ी में भी सनी एक लड़की थी, वो लड़की भी ज्यादा घबराई हुई बताई जा रही है। तो नहीं है उसको जो, हाँ हाँ हाँ, घबरा गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है क्योंकि बच्चा जब घबरा जाए ना। देख सनी, कितना तार जा रहा है अंदर इस गाड़ी में भी, यदि ये तार ना होता तो भयानक हादसा होता। बिल्कुल बिल्कुल, बीच फट जाती क्योंकि आजकल की गाड़ियों में कोई ज्यादा सेफ्टी भी नहीं। तस्वीरें बहुत भयानक हो जाती, ऐसे इस हादसे को भी देख के शायद कोई अनुमान लगाता होगा बच्चा होगा। तो गनीमत यही रही कि सारे सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 112 की टीम जो है प्रशासन की टीमें मौजूद है। सरदार जी, अभी आपने पता कर लिया सारे सुरक्षित है गाड़ी में? नहीं सर, अभी मैं कुछ पक्का नहीं आपको कहता, डॉक्टर साहब है। अच्छा, उन्होंने ICU में रखा है बच्चे को। ठीक है। और जो अपने लाभ जी है जो ड्राइवर थे उनको ले गए, उनका तो ये फ्रैक्चर है, आपको बताया मैंने। हाँ। और एक लड़का दूसरा है साथ में, वो उसका ही फ्रैक्चर है। ठीक ठीक। तो उनको लेके गए हैं, वो एक्सरे आने के बाद ही पता लगेगा क्या मैटर है। ये गाड़ी कन्फर्म हो चुकी है कि भी राड़ा गई गांव गाड़ी है, गांव की है। और फौजी साहब थे कोई, चला रहे थे, उनके फादर साहब है ये तो मेरे को मालूम है, लेकिन साथ में एक लड़की थी और एक और आदमी थे, क्योंकि अभी वो भी साइड में, अभी सामने तो कोई आया नहीं, सामने आता तो फिर बातचीत करते। चलो ये तो राज ही, देखो भाई ये तो चलो हो जाएंगी सीधी, लेकिन जान बच गई मेन तो ये रहा। भगवान का शुक्र है इसमें, भगवान ने चाहा तो सब कुछ, साहिबजादों के दिन चल रहे हैं और कहीं ना कहीं परमात्मा का आशीर्वाद रहा, सब जान सुरक्षित रहेगी। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, इससे मैं आप देख रहे हैं असंध के कॉलेज रोड से, और
ये इस समय व्यक्ति देखते हुए कि गाड़ी में किस प्रकार से हादसा इसमें हुआ है। इसने फिर गाड़ियां ने तो निकलवाओ जी, है ना। हाँ, 112 नंबर की टीम ने कार्रवाई कर दी है। जैसे आयु आयु वाले आने वाले हैं, आयु आ जाएंगे है जी। हाँ, उसका तो इंश्योरेंस भी होगा और इंश्योरेंस तो इसका भी होगा। हाँ हाँ हाँ, इंश्योरेंस वाले आ जाएंगे तभी गाड़ी उठानी है। बिल्कुल हाँ, दोनों का निकलने का रास्ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, दोनों तो गाड़ी के रिबने को नहीं खुल रहे हैं इसके। भारी गड्डी है, थोड़ा सा लग नहीं जानी मखा गड्डी पीछे से पूरी गाड़ी। हां थोड़ा वो ज्यादा तो नाइस में लग गया है। अरे भाई सब तो बढ़िया जान बच गई खड़ी। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आप राड़ा सी हो जी? अपना नाम जी? मेरा नाम सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी, ठीक है जी। ये तो मैंने कहूँ इसमें भी गुड़ियाँ थी, वो भी बताई जा रही है अभी दाखिल है, बेहोश हो रही है। और यहाँ पे भी एक बच्चा, बच्चे हैं देखो। चलो ठीक हो जाएगा जी, परमात्मा की बात है, परमात्मा की मेहर रही। तो आप पूछ ला रहे थे? ना ना, परिवार में थे। अच्छा, आप तो परिवार में थे। पहले एक बार उनको संभालो जो प्राथमिकता है, ये तो हो जाएंगे जी। तो दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई, XUV 300 किन्होंने सीधा करनाल ले गए, करनाल ही ले गए हैं। ठीक 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 ठीक। आपस ये है कि थोड़ा बेहतर इलाज मिल जाएगा उधर। हाँ हाँ, अपने आड़े फिर इतनी सुविधाएं भी नहीं है ना, वहाँ सुविधाएं थोड़ा बेहतर इलाज हो जाए करनाल। तो इस समय ये तस्वीरें आपके सामने इस भयंकर एक्सीडेंट की, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस चप्पलें भी गाड़ी के जो है अंदर पड़ी है, और एक चप्पल जो है बाहर पड़ी है। किस प्रकार मंजर रहा होगा। आइयो जनाब, तो आइयो साहब आ रहे हैं जी। ठीक है, ये कितनी है आपके पास, कितने बजे लगभग कॉल आई थी जी? ये 3:42 पर आई थी। तो आप कितनी देर में पहुंच गए? हम तो 10 मिनट में पहुंच गए। लो, हमारी 112 की टीम जो है तत्पर रहती है, मौके पर पहुंच जाती है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं अंदाजा लगाओ तो स्पीड का ही लगता है जी इशू। हाँ, स्पीड ही है ना। तो क्योंकि उस टाइम दूध का कोहरा तो था ही नहीं, 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 नहीं। गाड़ी भी नहीं है। बिल्कुल नई गाड़ी है जी, नवी गाड़ी है। बस दोनों पक्ष एक दूसरे को बस आरोप यही लगा रहे कि भी वो स्पीड में थी, वो स्पीड में थी। हमारे को सूचना मिली थी रोड एक्सीडेंट है, मौके पर पहुंचे। तो कुछ पता लगे इनका कौन कहां से आए थे? ये शायद ये कह रहे हैं भाई, इनको भी चोट लगी थी, पहले एक्सीडेंट हुआ था तो उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, ये रास्ते में ये भी डैमेज हो गई। जान माल से सभी सुरक्षित हैं जी? हाँ, इंजर्ड है। हाँ इंजर्ड है, लेकिन हादसा तो बहुत भयानक है जी। इंजर्ड है तो ये नहीं कह सकते कैसे चोट है किसको, कैसे नहीं। मैं काफी चले गए वो अपने जी एच एस एन ले गए। बिल्कुल, प्राइवेट। ठीक है, धन्यवाद प्रवेश कर जी। कोई बात नहीं, पाजी रेफर हो गया। तो पब्लिक जो है रुक कर सड़क पर इस मंजर को देख रही है। ये सड़क जो राहड़ा को जाती है, तो दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। दो गाड़ियां बहुत भयानक रूप से टकराती हैं, और वो गाड़ी जो है ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है, और इस गाड़ी का भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्योंकि भाई देखो, नई गाड़ी थी, सगुन की गाड़ी थी, और किस प्रकार से यदि ये तार न होता तो भयानक हादसा होता। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जब भी गाड़ी चलाएं तो स्पीड को नियंत्रण में रखें, क्योंकि आपका इंतज़ार घर पर कोई ना कोई कर रहा होता है। भाई इस बात पर विशेष ध्यान रखें, आपके काम जो है भले ही 5 मिनट लेट हो जाएं, 10 मिनट लेट हो जाएं, 1 घंटा लेट हो जाएं, काम हो जाएंगे, परंतु यदि ये हादसे
एक भयंकर हादसे में रूप में धारण कर लेते हैं, जान माल का नुकसान करता है, फिर वो कभी लौट के नहीं आते भाई। और इसमें हादसे में यही रहा कि जो है सभी बच गए, परमात्मा का शुक्र रहा। और ये गाड़ी जो है यहाँ पर भी टकराई है और इसका काफ़ी सारा सामान जो है टूट कर बिखर गया है और ज़्यादा नुकसान दोनों गाड़ियों का हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं असंतुलन बिगड़ने की वजह से ये हादसा हुआ। मौके पर 112 की पूरी हमारी पुलिस की टीम जो हमेशा दुरुस्त रहती है 10 मिनट के अंदर पहुंच गई थी, और प्रत्यक्षदर्शी भी मौके पर, और काफ़ी लोगों की भीड़ यहां पर जमा है। और इस समय ये जो भी व्यक्ति यहां से आ रहा है जा रहा है रुक कर ये जरूर देख रहा है कि आखिर हादसा कैसे हुआ और क्या सभी सुरक्षित हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर करिए और सतर्क रहिए भाई, ऐसे हादसे दोबारा ना हो, और अपने ध्यान से हर व्हीकल को चलाएं और अपने परिवार के पास समय पर पहुँचें। तब सवेरे यहीं तक गए थे आप, तो उस टाइम कुछ नहीं गया, ब्रेकर या ब्रेकर चाहिए। बिल्कुल ब्रेकर की तो बहुत सख्त जरूरत है। हाँ देख, हाँ बच गए ताई। हाँ साहब जाते हैं, दिन चल रहे हैं, परमात्मा का बल आ रहा है क्या। सरपंच साहब, जिस आप मौके पर पहुंचे, आपके भाई साहब हैं डॉक्टर लव सिंह जी, तो क्या परिस्थिति है उसमें जी? पहुंचे डॉक्टर साहब का मेरे पास फोन आया, अभी ऐसा से बात है, मेरी गाड़ी एक्सीडेंट राडा रोड पे हो गई है और जल्दी जल्दी आओ और यहाँ पर पहुंचो। जैसे जैसे मेरा संपर्क हुआ, मेरा भतीजा यहाँ संद भी आ रहा था और यार मित्र से सारे को कॉल किया भी वहाँ मौके बार बार पहुँचो, उससे आदमी बच गए। अगर गाड़ी घोड़ा तो वक्री बात है, और आदमी का सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाए और आदमी को फर्स्ट टाइम पर मिल गई तो आदमी सही हो जाएगा। चलो ये ना, गाड़ी वाले भी राडे गांव के हैं, इनका फर्ज बनता था, जैसे ही गाड़ी एक्सीडेंट हुई है इनका फर्ज बनता था गाड़ी रोक के, अगर उनको नहीं चोट लगी थी इनको हॉस्पिटल में लेके जाना, इंसानियत के रूप में इनको उठा के हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए था, पर इन्होंने इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आदमी का फर्ज बनता है, आदमी चोट लगी है तो हम इसको हॉस्पिटल में तो लेके जाएँ, इसी का किसी ने एक्सीडेंट किसी के साथ कर लिया, इसका किसी के साथ वैर विरोध तो है नहीं है, उसको लेके जाते, उसको ट्रीटमेंट करवाते, हमारे को ये होता भी उन्होंने बढ़िया काम किया है।